तो काइजर आज मुझे अपग्रेड होना है खतरनाक से गोरिल्ला में, और गोरिल्ला बनना सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं मदद मांगने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक गोरिल्ला से। ये है गोरिल्ला मास्टर, जो कि लोगों की मदद करते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला बनने के लिए। मेरे बच्चे, मुझे पता चला है तुम भी एक गोरिल्ला बनना चाहते हो। हाँ मास्टर जी, मैं भी एक गोरिल्ला बनना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, एक खतरनाक गोरिल्ला बनने के लिए तुम्हें ये पोषण पीना पड़ेगा। ये है गोरिल्ला पोषण, अगर तुम इसको पीते हो तो तुम गोरिल्ला बन जाओगे। क्या? चलो ठीक है, मैं इसको पी लेता हूँ। रुक जाओ बच्चे, ये पोषण मैं तुमको फ्री में नहीं दे सकता, ये पोषण तुमको कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इस पोषण के लिए पीछे जो जंगल है उसमें जाके तुम्हें फ्लैश और बेबी फ्लैश को ढूंढना पड़ेगा, और उस बेबी फ्लैश के सामने उसके पापा फ्लैश को मारना पड़ेगा। अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं ये तुम्हें पोषण दे दूंगा, पर अगर तुम उसको नहीं मार पाए तो फिर क्या होगा? वो जो फ्लैश है वही तुम्हें मार देगा और वीडियो खत्म हो जाएगी। तो जाओ बच्चे। ओके अंकल, चलो काइजर, अभी मुझे मारना पड़ेगा फ्लैश को, और वो फ्लैश सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं उसको नहीं मार पाया तो वो मुझे मार देगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि काइजर मुझे बनना है दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला। चलो फटाफट से पहले उसको ढूंढते, फिर उसको हम बहुत ही बुरा मारने वाले। तो काइजर अभी मुझे वो पापा फ्लैश मिल चुका है, आप देख तो सामने वो है, और मैं चुपचाप पीछे से जा रहा हूँ घासों में ताकि वो मुझे देख ना पाए। और काइजर ये पापा फ्लैश और बेबी फ्लैश बिल्कुल साथ में खड़े हैं, मुझे इसको कैसे भी करके मारना पड़ेगा। तो चुपचाप से हम इसके पीछे जाने वाले हैं। इसको पीछे फटाफट से मारते हैं। ये ले काइजर, फटाफट से इसको मारते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हल्क फ्लैश के बच्चे, ये ले ये ले ये ले, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे गोरिल्ला मास्टर ने बोला था इसको पूरा मारने के लिए। तुमने मेरे पापा को मारा, अरे इस बच्चे को क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरे काइजर इसको क्या हो गया, लगता है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में, मैंने इसके पापा को मार दिया, जल्दी मुझे भागना पड़ेगा। अरे बच्चा मुझे छोड़ दे। मेरे पापा को मारा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे काइजर मैं इस बच्चे को मार भी नहीं सकता क्योंकि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लगता है मुझे इधर से भागना पड़ेगा। अरे क्या करूं बच्चे, छोड़ दे मुझे। अरे बच्चे छोड़ दे मुझे। अरे ये क्या, ये गोरिल्ला ने इसको मार दिया। लड़के बहुत बढ़िया, तुमने उस फ्लैश को मार दिया। अरे मास्टर जी मैंने तो उसको मार दिया, पर आपने बच्चे को क्यों मार दिया, आपको शर्म नहीं आती? तुमको पोषण चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए चाहिए। तो ये लो तुम्हारा सबसे पहला पोषण, फटाफट से उसको पी लो। चलो काइजर हमें अपना सबसे पहला पोषण मिल चुका है, फटाफट से इसको पी लेते। तो काइजर अभी आप देख सकते हो इस पोषण को पीने के बाद मैं कितना मस्त गोरिल्ला बन चुका हूँ। ये गोरिल्ला इतना खतरनाक तो नहीं है, पर ये एक इंसान से बहुत खतरनाक है। और काइजर आप देख सकते हो मैं कितनी बड़ी बड़ी जंप भी कर पा रहा हूँ, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दुनिया के सबसे खतरनाक गोरिल्ला बनने की। आप देख सकते हो सारे के सारे इंसान मेरे से डर के भाग रहे क्योंकि मैं एक गोरिल्ला बन चुका हूँ। आंटी रुक जाओ। मेरे बच्चे ये गोरिल्ला की लेवल फर्स्ट है, तुम्हें और भी अपग्रेड होना पड़ेगा, उसके लिए और भी गोरिल्ला पोषण पीना पड़ेगा। तो जाओ लॉस सैंटोस में और भी गोरिल्ला पोषण ढूंढो, खरीदो, कुछ भी करो, बस गोरिल्ला बनो। ओके मास्टर जी आप टेंशन मत लो, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला बन के दिखाऊंगा। चलो काइजर फटाफट से चलते हैं, या तो हम गोरिल्ला पोषण ढूंढ सकते हैं या तो फिर हम गोरिल्ला पोषण खरीद सकते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं और बहुत सारा गोरिल्ला पोषण पीते हैं। तो काइजर मुझे पता चल चुका है मुझे अपना अगला पोषण कहां पर मिलने वाला है। पोषण तो हमें मिल गया, बस एक दिक्कत है, वो पोषण इस खतरनाक से टाइटन के मुंह के अंदर है। जी हाँ, इस टाइटन के मुंह के अंदर एक अपना गोरिल्ला पोषण है जो कि है इस बच्चे के पास। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बच्चे तो टाइटन के मुंह के अंदर कैसे गया? अरे अंकल मैं तो बस फुटबॉल खेल रहा था, एकदम से ये टाइटन आ गया और इसने मुझे खा लिया। अंकल मुझे बचा लो। तो काइजर हमें उस बच्चे को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। उससे दो काम होंगे, पहली बात तो ये बच्चा बच जाएगा और दूसरी बात हमें पोषण भी मिल जाएगा। तो काइजर हमें कैसे भी करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मैं कैसे निकालूं? अभी लगता है ये टाइटन सो रहा है तो मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है और मैं इतना छोटा हूँ कि इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि इसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। तो काइजर अभी मैं इसके मुंह के पास तो आ गया, पर मैं उसको बाहर कैसे निकालूं? अभी आप देख सकते हो मैं इसकी नाक के आ चुका हूं और इसके नीचे इसका मुंह है और इसका मुंह तो बंद, तो मैं उसको बाहर कैसे निकालूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे बाहर आ जा। अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो।
अरे गाइजर कैसे बचाए इस बच्चे को, मुझे पोषण भी चाहिए, उस बच्चे को भी बचाना है। मैं इसके मुंह के अंदर गया तो मैं भी अटक जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं। अरे गाइजर मुझे लगता है मुझे इस टाइटन से बात करनी चाहिए। अरे टाइटन भाई उस बच्चे को छोड़ दो। टाइटन भाई मुझे नहीं लगता मेरी आवाज इसके पास जा रही, क्योंकि मैं इसकी आंखों के पास हूँ, मुझे इसके कान के पास जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था इसके कान के पास जाओ, पर इसके तो कान ही नहीं है। अबे ये कौन सा टाइटन है, इसके पास तो कान ही नहीं है। टाइटन भाई मेरी तरफ देखो, टाइटन टाइटन मेरी बात सुनो। अरे गाइजर ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, लगता है ये बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में। ये वाला प्लान तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। बच्चे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तो गाइजर मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक सा आइडिया आ चुका है, मैं इसकी नाक के पास आ चुका हूँ। और गाइजर इसकी नाक में मैं डालने वाला हूँ ये फायर एक्सटिंग्यूशर। इसकी नाक में ये फायर एक्सटिंग्यूशर जाता है ये छींकेगा, और जैसे ये छींकेगा वो बच्चा इसके मुंह से बाहर आ जाएगा। तो गाइजर मुझे इसकी छींक लानी पड़ेगी, तो इसके लिए इसकी पूरी नाक में मैं फायर एक्सटिंग्यूशर भरने वाला हूँ। तो फटाफट इसकी पूरी की पूरी नाक में फायर एक्सटिंग्यूशर डाल देते हैं, पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्यूशर इसकी नाक में डालने वाला हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये छींक दे और वो बच्चा बाहर आ जाए। अरे टाइटन छींक तो दे, कम से कम छींक दे, छींक दे। तो गाइस फटाफट से कमेंट करो टाइटन छींक दे ताकि जल्दी से ठीक दे। जल्दी जल्दी कमेंट करो टाइटन छींक दे। अरे कैसे लगता है ये छींकने वाला है। अरे इसने तो छींक के मुझे ही उड़ा दिया। बचाओ मुझे, मैं ही गिर गया। अब मुझे देखना पड़ेगा वो बच्चा बाहर आया कि नहीं। बच्चे मुझे बचाओ, लग गई, मैं कहाँ गया। अरे गाइजर मुझे बच्चा मिल गया। बच्चे बच्चे ठीक तो है ना। अरे अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बच्चे कोई बात नहीं, तो गाइजर हमने इस बच्चे को बचा लिया है। अंकल ये लो आपका पोषण। हाँ बच्चे थैंक यू। तो गाइजर मुझे अपना गोरिल्ला पोषण मिल गया है, फटाफट से इसको पी लेते हैं और देखते हैं अब हम किस में अपग्रेड होने वाले हैं। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो उस गोरिल्ला पोषण को पीने के बाद मैं कितना खतरनाक सा गोरिल्ला बन चुका हूँ। और गाइजर मेरे पास खतरनाक शक्ति आ चुकी है, मैं बहुत ही तेज भाग सकता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े जंप कर सकता हूँ, और गाइजर मैं खतरनाक पत्थर भी फेंक सकता हूँ। ये देख सकते हो मैंने जमीन से निकाल के पूरा का पूरा पत्थर फेंक दिया। रुक जाओ इस गाड़ी के ऊपर फेंकते हैं। ये ले गाड़ी वाले, ये ले कैच कर, ये तो बहुत ही खतरनाक है। गाइजर मेरी शक्तियां सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। धीरे धीरे हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल गोरिल्ला बनते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े जंप मैं मार पा रहा हूँ, और ये पूरी की पूरी जमीन तोड़ दी मैंने, आप देख सकते हो। तो गाइजर सोचो ये गोरिल्ला इतना खतरनाक है, तो आखिरी गोरिल्ला कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अभी हम जा रहे वाले अपना अगला गोरिल्ला पोषण पीने के लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आखिरी गोरिल्ला होने वाला है वो सबसे खतरनाक गोरिल्ला होने वाला है। तो कैसे ये वाला गोरिल्ला अच्छा है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। ये देखो कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अभी किसी से पिट गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी से पिट गया हूं, इसलिए हम आ चुके अपने अगले पोषण के लिए। यहाँ पर ये दो अंकल खड़े जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और गाइस आपको तो याद ही होगा हम गोरिल्ला पोषण खरीद भी सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। बच्चे हम ये सारा का सारा पैसा तुझे दे देंगे, बस तुझे हमारे लिए एक काम करना है। हम जिस घर में रहते थे उस घर को गुंडों ने हड़प लिया है, और उन्होंने हमें घर से बाहर भगा दिया। अगर तू हमारी मदद करता है उस घर को वापस लेने में, तो हम तुझे ये सारा का सारा पैसा दे देंगे। क्या मुझे बस उनको घर से बाहर निकालना है। हाँ बच्चे उनको घर से बाहर निकाल और ये सारा का सारा पैसा ले जा, और याद रखना उनको भूतों से बहुत डर लगता है। क्या भूतों से डर लगता है। रुक जाओ मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। तो गाइजर अभी यहाँ पर रात हो चुकी है, और गाइजर रात में आपको पता है क्या होता है, भूत आते हैं। तो गाइजर अभी हम जाने वाले उस मेंशन में, और इस मेंशन को आज हम कैसे भी करके खाली करवाएंगे। मैं बनने वाला हूँ एक गोरिल्ला का भूत, और यहाँ पे जितने लोग है उन सबको यहाँ से भगाने वाला हूँ। तो आप फटाफट से तैयार हो जाओ, क्योंकि भूत आ चुका है। यहाँ पर जो भी है मैं उसको मार दूंगा। अरे बिरजू तुमने वो आवाज सुनी क्या। अरे कौन सी आवाज, लगता है कोई भूत है। अरे भूत कुछ नहीं होता। हा, 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 मैं तुम सबको खा जाऊंगा, निकल जाओ यहाँ से। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ये आवाज कहाँ से आ रही है। चले जाओ यहाँ से वरना मर जाओगे। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सबको खा जाऊंगा, और अब मुझे तो
समझ नहीं आ रहा है यहाँ से भाग क्यों गया। अरे ये चिंटू भी ना समझता नहीं है भूत वूत कुछ ना होता है। अरे कौन है मैं, मेरी बिल्डिंग में कौन है, निकल जाओ यहाँ से। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मम्मी ना भूत आ गया, अरे भागो भागो, अरे भूत भूत आ गया भागो। अरे यार ये बच्चे समझते नहीं है, मैंने इनको इतनी बार बताया भूत भूत कुछ नहीं होता। ए लड़के तू काम करता रहे, कई बच्चा ना भूत भूत कुछ नहीं होता। एक सेकेंड ये क्या है? मैं तुम्हें कहा जाऊंगा। अरे ये तो असली भूत है, भागो। तो कैसर अभी हमने सबको यहाँ से भगा दिया है। इस घर पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन सबको हमने इस घर से भगा दिया है, वो भी पूरा का पूरा डरा के। तो कैसर हमारा काम हो चुका है, फटाफट से अंकल के पास चलते हैं और उनको बोलते हैं सारा का सारा पैसा दे दे क्योंकि उनका काम पूरा का पूरा हो चुका है। अंकल अंकल मैंने उस घर से सबको भगा दिया। अरे बच्चे हमने देखा तुमने सबको भगा दिया, बहुत ही अच्छा काम किया बच्चे, ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा हुआ। थैंक यू अंकल। तो कैसे मुझे सारा का सारा पैसा मिल चुका है, फटाफट से चलते नया पोषण खरीद के उसको पीते हैं। तो कैसे अभी आप देख सकते हो मैं उस पोषण को पीने के बाद कितना ज्यादा खतरनाक गोरिल्ला बन चुका हूँ। अब लग रहा है ये कोई पावरफुल गोरिल्ला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फटाफट से कमेंट करके बताओ जितनी बार भी हम अपग्रेड हुए सबसे खतरनाक गोरिल्ला आपको कौन सा लगा। और कैसे आप देख सकते हो इस लड़के के पास कितना सारा पैसा है। ओए पुत्र क्या तू ये सारा पैसा कमाना चाहता है? हाँ अंकल मैं ये सारा का सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो बच्चे अगर तुझे ये सारा का सारा पैसा कमाना है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? मेरे गांव के खेत में बहुत सारे शेरों ने अटैक कर दिया है, हम इंसान उन शेरों से नहीं लड़ सकते, पर तुम एक गोरिल्ला हो, अगर तुम उन खेतों से उसको बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अच्छा ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं उन सारे शेरों को बाहर निकालने वाला हूँ। तो कैसे मुझे अपना अगला काम मिल चुका है, मुझे मिलने वाले बहुत सारे पैसे पोषण खरीदने के लिए। सामने जो खेत है मुझे तो उधर से सारे के सारे लॉयंस को बाहर निकलना पड़ेगा जो कि इस खेत में आके बैठ गए, और यहाँ पे बहुत सारे लॉयन है, पर आप टेंशन मत लो हम इतने ज्यादा खतरनाक गोरिल्ला बन चुके हैं, इन सारे के सारे लॉयन को उठा उठा के पटकेंगे। ये खेत छोड़ के भागो वरना तुमको नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले। तो गाइज़र मैं तो इन लॉयन की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ क्योंकि गाइज़र मुझे मिलने वाले बहुत सारे पैसे, 100K मतलब $1,00,000, और जो अगला पोर्शन है वो भी $1,00,000 का, तो मुझे कैसे भी करके $1,00,000 चाहिए ताकि मैं वो खतरनाक सा पोषण खरीद सकूं। उसके लिए मुझे सारे के सारे लॉयंस को बाहर फेंकना पड़ेगा। अब ये भागना भी शुरू हो गया क्योंकि इनको पता है गोरिल्ला बहुत खतरनाक है, लॉयंस से भी खतरनाक गोरिल्ला होता है। अभी तो हम लॉस सैंटोस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोरिल्ला भी नहीं बने, ये सारे के सारे लॉयन हमसे डर रहे हैं। आप सोचो जब हम लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक गोरिल्ला बनेंगे तो पूरा लॉस सैंटोस हमसे डरेगा। और अभी मैंने सारे के सारे लॉयंस को भगा दिया, तो फटाफट जल्दी अंकल से पैसे लेते हैं। अंकल अंकल मैंने सारे के सारे लॉयंस को ऐसे भगा दिया, मुझे पैसे दे दो। एक सेकंड अंकल का चले गए, लगता है अंकल अपने घर चले गए। कोई बात नहीं अपन सारा का सारा पैसा ले लेते हैं और चलते फटाफट से पोषण खरीदते, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस मैं पोषण पी के बन चुका हूं अपना गोरिल्ला मास्टर जैसा, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर गाइस मैंने देखा कि वहां पर एक $1,000,000 वाला पोषण भी है और वो है दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला। तो गाइस अगर मुझे खतरनाक गोरिल्ला बनना है तो मुझे वो $1,000,000 वाला पोषण भी पीना पड़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। फटाफट से $1,000,000 वाला पोषण पीते हैं। बच्चों तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में, ये चैलेंज होने वाला है $1,000,000 वाले पोषण के लिए। तुम तीनों के बीच में ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, तुम तीनों में से जो भी जीतेगा वो दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम गोरिल्ला या फिर गॉडज़िला बन सकता है। तो क्या तुम सब तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। वेनम भी तैयार है। तो मैं तुमको बताता हूँ तुमको करना क्या है। यहाँ पर तुम सबकी गाड़ी है और ये चैलेंज तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा सारे ऑब्स्टेकल्स से बचते बचते, इस यूएफओ के ऊपर से चाहते चाहते इधर पूरा क्रॉस करके इस बीच वाले टायर के बीच में से निकल के इस कांच को तोड़ना पड़ेगा। जो भी ये कांच तोड़ेगा अपनी गाड़ी से वो ये चैलेंज जीतने वाला है और उसको मिलेगा $1,000,000 पोषण। सबसे पहले वेनम जाएगा क्योंकि वेनम को चाहिए वो पोषण। मैं दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम बनना चाहता हूँ और मैं बन के रहूंगा। सबके सब साइड जाओ, एक गोरिल्ला एक गॉडज़िला हट जाओ। तो कैसे अभी जाने वाला है वेनम, अभी देखते हैं रैम चैलेंज में करना क्या है। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुझे हार्ड लग रहा है, और हार्ड तो हो गई क्योंकि ये $1,000,000 वाले पोषण के लिए, और वो पोषण सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम तीनों में से जिसको भी मिलेगा उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक बनने वाला है। और ये क्या वेनम तो नीचे गिर गया। अरे ये क्या हो गया, वेनम का बच्चा तो नीचे गिर गया।
मेरी बारी। मैं दिखाता हूँ कि चैलेंज कैसे करते हैं। तो गाइस वेनम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया। अब बारी हमारे गॉडज़िला की, देखते हैं ये क्या करने वाला है। इसने ये खतरनाक सी गाड़ी अपनी ले ली है और ये गॉडज़िला के कलर की गाड़ी इसको पता नहीं कहाँ से मिल चुकी है। देखते हैं क्या इसको मिलेगा $1 million वाला पोशन। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो पोशन तो मैं ही लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला बनना है। तुम कभी भी नहीं बन पाओगे, दुनिया का सबसे खतरनाक गॉडज़िला मैं बनूंगा, फिर सारे के सारे गोरिल्लास को मार दूंगा। अरे कैसे, किंग कॉन्ग का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सबसे खतरनाक गॉडज़िला बनके सारे गोरिल्ला को मार देगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एक बार मैं दुनिया का सबसे खतरनाक गोरिल्ला बन जाऊं, फिर तो इस गॉडज़िला के बच्चे की ऐसी तैसी इसके सारे के सारे परिवार को खत्म कर दूंगा, पूरा गॉडज़िला खत्म कर दूंगा लॉस सेंटोस से। और अभी यहाँ पे भिड़ता जा रहा है, इसके ऊपर पूरी की पूरी लकड़ियां गिर चुकी है। लकड़ियों से मुझे डर नहीं लगता, मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, ये गॉडज़िला जीतेगा या फिर मैं? फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गोरिल्ला ओपी। और गाइस इसकी गाड़ी यहाँ पर अटक चुकी है। अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी कैसे अटक गई? निकल गई। गाइस फटाफट से कमेंट में लिख दो बैड लक टू गॉडज़िला और गुड लक टू गोरिल्ला, फटाफट से कमेंट कर दो। और ये गॉडज़िला हर जगह यहाँ पे भिड़ता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है इसकी गाड़ी ही खराब हो जाएगी, उधर तक पहुंचेगी नहीं। और सामने वो खतरनाक सा जंप आ चुका। और ये क्या, इस पंखे ने तो इसको बहुत ही उड़ा दिया। मुझे लगता है ये हार जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा इजीली हारने वाला है, क्योंकि इसकी गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसकी गाड़ी ढंग से चल भी नहीं पा रही। गोरिल्ला के बच्चे, अगर तुमको लगता है मैं हार जाऊंगा तो तुमको गलत लगता है, क्योंकि मैं तो बचाओ, अरे मेरे को बचाओ। और गाइज़र ये क्या, गॉडज़िला की गाड़ी हवा में उड़ चुकी है और ये तो गया सीधा पानी में। तो गाइज़र फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। गॉडज़िला और वो वेनम दोनों के दोनों हार चुके हैं और मेरी बारी आ चुकी है। मैं इस चैलेंज को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि वो पोशन मुझे कैसे भी करके चाहिए। तो फटाफट से चलते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजीली हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया गॉडज़िला और वेनम कहां कहां पर गिरे थे, तो मुझे वहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। बस इस कैसे भी करके इस चैलेंज को जीतना है। बच गया, मुझे लगा था सीधा पानी में जाऊंगा, पर यहां पर हम बच चुके। तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को हम भगाते हुए जा रहे हैं। इस चैलेंज को हम आराम से जीतने वाले हैं। यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे सामने पंखे पे यार अपना गॉडज़िला गिर गया था, पर कोई बात नहीं, हम नहीं गिरने वाले। हम यहाँ से जाएंगे आराम से, हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता इस चैलेंज को जीतने से और दुनिया का सबसे खतरनाक किंग कॉन्ग गोरिल्ला बनने से। चलो फटाफट से चलते हैं, हम बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, क्योंकि हम यहाँ पर जीतने वाले हैं। और इन पंखों के बीच में से मैं निकल चुका हूँ। अरे ये क्या चीज है यहाँ पे। और यहाँ से फटाफट से अपनी गाड़ी को कूदाते हैं। और गाइस आखिरी जंप हमारा आ चुका है, हमें बस उस कांच को तोड़ना है। चलो फटाफट से फुल स्पीड में चलते हैं। 3, 2, 1 गो। पूरा का पूरा बूस्टर मैंने दे दिया। और गाइस हम उड़ने वाले हैं और ये सीधा कांच तोड़ दिया। तो गाइस मैं जीत चुका हूँ वो $1 million वाला पोशन। तो गाइस उस आखिरी 1 million वाले पोशन के पीने के बाद आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक मेका गोरिल्ला बन चुका हूं। ये गोरिल्ला पूरा का पूरा लोहे का बना है, ये मतलब एक रोबोट गोरिल्ला है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया और हम बन गए दुनिया के सबसे खतरनाक गोरिल्ला। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।